निरीक्षण के लिए बिरसापुर पहुंचे नेशनल हाईवे के अधिकारियों को गुस्साए ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। घंटों समझाने बुझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए। बताते चले कि करोड़ों की लागत से मरम्मत हो रही बिरसा पुल में बुधवार को काम कर रहे मुंशी एवं लेवर के द्वारा मिट्टी मिलाया हुआ गिट्टी से अनियमित ढलाई काम करने वाले थे। तभी ग्रामीणों ने देखा और हो हल्ला के साथ अनियमित काम को बंद कराया एवं मौके पर अमलाबाद पुलिस को बुलाकर दिखाया तथा अनियमित तथा मुंशी के द्वारा जोर जबरदस्ती काम करने का लिखित शिकायत भी ग्रामीणों ने किया और मिलावट सामग्री डीसी और अन्य अधिकारियों के जांच के बाद ही काम चालू करने की बात कही थी। परंतु गुरुवार को ग्रामीणों ने देखा कि काल बिरसा पुल के ऊपर रखा हुआ मिट्टी के साथ मिलावट गिट्टी एवं अन्य सामानों को वहां से गायब कर दिया गया है एवं नीचे नदी में पानी में फेंक दिया गया है, जिसके कारण ग्रामीण गुस्सा में आ गए। इस बीच गुरुवार को निरीक्षण के लिए पहुंचे 218 नेशनल हाईवे टीम के कनीय अभियंता अवध बिहारी एवं सहायक अभियंता राजकुमार सिंह राठौर को आक्रोशित ग्रामीणों की गुस्सा का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने कहा था कि एक तो भारी अनियमितता के साथ काम हो रहा है, दूसरी ओर जांच के लिए रखा गया घटिया सामग्री ठेकेदार एवं अधिकारियों के द्वारा गायब कर दिया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण एवं अधिकारी को बीच घंटों हल्ला हुआ। बाद में अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों को समझा बुझाकर पुल का निरीक्षण किया गया। कनीय अभियंता अवध बिहारी किशोरी ने कहा कि बिरसा पुल का सही सलामत इंजीनियर के देखरेख में काम चल रहा है और कल जो घटिया मटेरियल लगाने की कोशिश की जा रही थी उसकी जानकारी मिलने के बाद वह मटेरियल हटा दिया गया है और ठेकेदार एवं मुंशी पर कारण बताओ नोट इस संबंध में भेजा जाएगा। बिरसा पुल का काम तीव्र गति से चल रहा है, हो सके तो 15 अगस्त से पहले आमजनों के लिए पुल खोल दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि डीसी या कोई बड़े अधिकारी जांच के लिए नहीं पहुंचे और काम अपनी मनमर्जी से चल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने लेबर को बिना सेफ्टी का काम करने का आरोप लगाया है। पुल पर जो कल का जो अधिकारी का जो कम्प्लेन हुआ था वो आज जेई साहब आए थे और आने के बाद वो देखें जो भी मटेरियल था खराब मटेरियल है और वो बोले कि अभी का आगे का जो कार्रवाई होगा वो अच्छा हम प्रेजेंट रह के हम काम करवाएंगे और बाकी काम हम प्रेजेंट रह के करवाएंगे और अच्छा करवाएंगे। जिस तरह से कल अनियमितता देखे आप लोग बताएं से बड़ा अधिकारी आएंगे क्या पहुंचे थे? अभी कोई बड़ी अधिकारी यहाँ पर आए नहीं थे, हम लोग तो कम्प्लेन इसी साहब से लेके अधिकारीगण तक हम किए हैं, लेकिन अभी जो जेई साहब ही आए थे वही आश्वासन दिए हैं और उसी के मुताबिक। क्या आश्वासन दिए? आश्वासन यही दिए कि अच्छा काम होगा और हम प्रेजेंट रह के होगा, ये सारे जो भी है जनता के सामने हम लोग को बताएं। जो चुराई घट रहा और जो कल कर रहे थे उसके विषय में क्या बोले क्या होगा? वो कल जो बोले थे वो गलत था, गिट्टी जो था वो जो बालू था वो गलत तरह से रखा गया था, जो ढलाई में हम लोग रोक लगाए थे ग्रामीणों ने, इसी के चलते बरिया को अधिकारी को हम लोग सूचना दिए थे और इसलिए वो जो जेई साहब आके वो आश्वासन दिए हैं कि हम प्रेजेंट रह के काम करेंगे। अब आप लोग आगे क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये जान माल की है, जिस तरह से बिहार में दो पुल धस गया है और ये पुल का है, लाखों आदमी आना जाना करता है इसमें, हम लोग जान और माल का रक्षा चाहिए जिसमें से आगे अच्छा काम हो, यही हम अधिकारीगण से और सबसे अपील करते हैं कि अच्छा काम। आज मान रहे हैं आज केवल तुष्टिकरण किया गया है, ये तुष्टिकरण ही किए हैं, बाकी आगे कार्रवाई क्या होता है अभी हम लोग जो काम के आधार पर ही देखा जाए।